पानी का महत्व। नीरपुर गांव चारों तरफ पहाड़, हरियाली और खूबसूरती से घिरा हुआ था। वहां के लोग ज्यादातर खेती किया करते थे। गांव के लोगों को प्राकृतिक चीजों की कोई कमी नहीं थी। पेड़ पौधे, पानी, हरियाली, नीरपुर एक बहुत ही सुंदर और हरी भरी जगह थी। पानी, 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 मुझे प्यास लगी है। नीरपुर में तो इतना पानी था, पर यहाँ दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हरि, हरि, उठो, क्या हुआ है, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? तभी हरि नींद से हड़बड़ा कर उठता है। कुछ नहीं, आंख लग गई थी बस, बुरा सपना देख लिया था शायद। खैर छोड़ो, तुम लोग क्या कर रहे थे? हमेशा की तरह बारिश होती रहेगी और हमारे खेत ऐसे ही रहेंगे। हाँ भाई, अगर नीरपुर में बारिश और पानी नहीं होगा तो कहाँ होगा? साक्षात देवताओं का वास है हमारे गांव में, कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। गांव के कुछ और लोग चौबारे के पास अपने खेतों और फसलों की बातें कर रहे थे। तभी वहां पर गांव के एक बड़े बुजुर्ग बाबा किरोड़ी मल आ जाते हैं। तुम्हें पता भी है, आने वाले समय में पानी सबसे बड़ा संकट बनेगा। हो सकता है कि तीसरा विश्व युद्ध भी पानी की वजह से ही होगा। अभी अभी देखे बुरे सपने की वजह से हरि का ध्यान किरोड़ी मल की बातों पर जाता है। बाबा, आप कैसी बातें कर रहे हो? हमारे पास इतने सारे तालाब, कुएं और झरने हैं, ऐसे कैसे पानी खत्म हो जाएगा? चारों तरफ तो पानी ही पानी है। वही तो समस्या है बेटा, तुम लोग समझ नहीं रहे। ये जो दिख रहा है ये बस आज है, थोड़ी दूर जाकर देखोगे तो तुम्हें कोई झरना, पानी, तालाब नहीं मिलेगा। पर ऐसा क्यों होगा बाबा? जब मैं छोटा था तो लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में खूब तेज बारिश होती थी, और आज देखो बस 10 किलोमीटर ही रह गई है। समय बदल रहा है बेटा, थोड़े दिन जाने दो, हमारा भी पानी खत्म हो जाएगा। अब बाबा किरोड़ी मल की ऐसी बातें सुनकर रामू और श्याम दोनों सोचने लगते हैं और बोलते हैं। हाँ बाबा, लेकिन इतनी जल्दी पानी खत्म होने का तो मतलब ही नहीं बनता, ऐसे थोड़ी हो सकता है। हाँ बाबा, रामू बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब तुम इसे ऐसा ही देख लो, 10 किलोमीटर के बाद वाले गांव में बारिश नहीं हो रही तो वो हमारे तालाब से पानी भर रहे हैं। तभी वहाँ पर गांव का एक और व्यक्ति रमेश आ जाता है और आकर बोलता है। हाँ बाबा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम लोग देख लेना, अगले साल बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी। देखो अब तो इसने भी कह दिया, अब तो बारिश नहीं होगी। सब लोगों को बाबा किरोड़ी मल की बातों का ज्यादा असर तो नहीं पड़ता, लेकिन रमेश के मुंह से ये बात निकलते ही सब परेशान हो जाते हैं, क्योंकि गांव में सभी का मानना था कि रमेश जो भी अपने मुंह से निकालता है वो सच हो जाता है, और बुरी चीज तो खास तौर पर। बाबा आपका तो पता नहीं, लेकिन अब इस काली जुबान ने बोल दिया, अब नहीं होगी बारिश, गई हमारी फसल भी और खेत भी। बोल तो दिया है, लेकिन इसका कोई उपाय तो होगा, अब आगे क्या करना है ये बताओ। इस बात के बाद सभी गांव के व्यक्ति बहुत परेशान हो जाते हैं और जवाब के लिए बड़ों की तरफ देखने लगते हैं। देखो इसका एक उपाय है मेरे पास, अभी अगले साल को आने में 2 महीने बाकी है, सब मिलकर एक काम करते हैं, जितना हो सकता है बारिश का पानी इकट्ठा कर लेते हैं, अगले साल सिंचाई और व्यापार के काम आएगा। हाँ बाबा, अब तो लगता है कि यही करना पड़ेगा, लेकिन ये सब होगा कैसे? एक आदमी चिंता भरी आवाज में बोलता है। हाँ, लेकिन पानी को भला कोई कैसे इकट्ठा कर सकता है? हो सकता है, और हमें पानी को इकट्ठा करने के लिए गांव में और भी तालाब बनाने होंगे। अब सारे लोग बाबा किरोड़ी मल के कहे मुताबिक काम में लग जाते हैं। सभी लोग मिलकर गांव में खुदाई कर और कई सारे तालाब बना देते हैं,
सारा काम होने के बाद गांव के लोग फिर से इकट्ठा होते हैं। हमने तालाब तो बना ही दिया है, काश अब अगले साल पानी की परेशानी ना हो। हाँ, तुम सही कह रहे हो, तालाब में इकट्ठा होने वाले पानी से मदद तो मिलेगी, लेकिन इतना करना अभी भी काफी नहीं है। हमें हमारे गांव के आसपास जितने भी 4-5 पहाड़ हैं, उन पे पेड़ लगाने होंगे। लेकिन बाबा, पेड़ क्यों? देखो, हमने पानी इकट्ठा करने का तरीका तो ढूंढ लिया, लेकिन एक साल में उतनी ही बारिश होती है कि साल की भरपाई हो जाए। अगर हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो इस इलाके में और भी बारिश होगी, जिसमें ज्यादा पानी इकट्ठा होगा। सही है, तो हम एक काम करते हैं, हम 2 महीनों में पहाड़ों को पेड़ों से भर देते हैं। अब बाबा के कहे अनुसार गांव के सभी लोग पेड़ लगाना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते चारों ओर पहाड़ियां पेड़ों से भर जाती हैं और हरी भरी हो जाती हैं। साथ ही साथ सभी लोग गड्ढे खोद देते हैं जिनमें पानी भर जाए, और उनके साथ साथ रास्ता बना देते हैं ताकि बारिश का पानी इधर उधर जाने के बजाय गड्ढे के जरिए जमीन में वापस चला जाए। मुझे लगता है कि अब हम सबने सारा काम पक्का कर दिया। इस साल की बारिश के इकट्ठा हुए पानी से हमारा काम चल जाना चाहिए। हाँ, बाबा के कहे अनुसार पेड़ों की वजह से बारिश अच्छी हुई है इस बार, और हमारी बनाई हुई सारी नहर और गड्ढे भी भर चुके हैं। अगले साल की सिंचाई में भी कोई परेशानी नहीं आएगी। बाबा, आपने बिल्कुल सही उपाय बताया था पानी को इकट्ठा करने का। अगर बारिश ना भी हुई तो भी गुजर चल जाएगा। अब बारिश का मौसम आता है और खूब जोरदार बारिश होने लगती है। सब लोग तो कुछ और ही अंदाजा लगा कर बैठे थे। अब बारिश देखकर गांव के सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। पर रमेश ने तो बोला था कि इस बार बारिश नहीं होगी। ये तो पिछले बार से भी तेज बारिश है। इसका मतलब इन्होंने मिलकर हमसे झूठ बोला। हाँ, और हमने जो बेवजह इतनी सारी मेहनत की उसका क्या? ये सभी लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी ये लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग भीड़ में इकट्ठा होकर उनकी तरफ चले आ रहे हैं। ये इतने सारे लोग एकदम से यहाँ क्यों आ रहे हैं? तभी गांव के लोग देखते हैं कि वो सभी अपने हाथों में फल और मिठाई लिए हुए हैं, और उन सभी के चेहरे पर मुस्कान थी। तभी उनमें से एक व्यक्ति आगे आकर बोलता है, हम लोग पास के गांव सीमापुर से आए हैं, मैं वहां का सरपंच हूं। हम लोग आपका बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, खास तौर पर सरपंच जी बाबा करोड़ीमल और रमेश का। आप लोगों की वजह से ही ये सब हो पाया है। ना जाने कितने सालों बाद हमने बारिश देखी है। इंद्रदेव तो मानो हमसे रूठ ही गए थे। फिर वो सभी लोग एक एक करके बड़े लोगों के पैर छूने लगते हैं और उनकी आंखों में आंसू थे। अरे, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? कम से कम पैर तो ना छुइए। ये तो बहुत छोटी सी चीज है बाबा, जो आपने हमारे लिए किया है उसका एहसान तो हम कभी नहीं भूलेंगे। तभी बाबा किडोरी मल आगे आकर बोलते हैं, ये कोई एहसान वगैरह नहीं था। दरअसल हमें पता था हमारे यहाँ इस साल हर बार की तरह बारिश होगी, तो फिर आपने हमसे इतनी मेहनत क्यों करवाई? बेटा देखो, जिस हिसाब से हमारा गांव है, यहाँ हर बार बारिश होना लाजमी है, क्योंकि ये चारों तरफ से पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है। लेकिन क्योंकि हमने जंगल में जाकर पेड़ काटे थे, तो हमारी वजह से पड़ोस वाले गांव में बारिश नहीं हो रही थी। हाँ, अब जो पेड़ हमने लगाए हैं, उससे क्या होगा कि जो बादल हर साल बिना बारिश के यहाँ से चले जा रहे थे, पेड़ों की वजह से वो एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे। और हमारे यहाँ तो बारिश हुई है, पड़ोस के गांव में जो बारिश हमारे पेड़ काटने की वजह से नहीं हो रही थी, वो भी इस साल हो गई। और जो पानी इकट्ठा किया था वो लोगों के भी काम आएगा और हमारे भी। बाबा, हम अब सीमापुर के लोगों को देखकर समझ गए कि पानी का क्या महत्व है और आपने हम सबसे मेहनत क्यों करवाई। हाँ, पानी की कमी होना वाकई में एक समस्या बन सकती है। हमें खुद ही पानी बचाना चाहिए, बल्कि प्रकृति की और चीजों को भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। चलो,
आखिरकार तुम लोगों को मेरी बात समझ आ गई।